एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूँ प्रगति। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक साड़ी ड्रिपिंग का वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें कि हम एक सिंगल साड़ी से लहंगा स्टाइल की साड़ी ड्रिपिंग करेंगे और एक ही साड़ी से मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट लुक्स क्रिएट करके दिखाऊंगी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी वट सावित्री आ रही है, तो उसी के लिए मैं ये लुक्स क्रिएट कर रही हूँ। अगर आपको कोई भी लुक पसंद आता है तो जरूर उसको ट्राई कीजिएगा। विदाउट एनी डिले चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अभी जो आपके सामने ये जो पिक्चर शो हो रही है, ये मेरे पुराने वीडियोस की पिक्चर्स हैं, जिसमें कि मैंने साड़ी ड्रिपिंग के वीडियोस बनाए हैं। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो इनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के स्टाइल नंबर वन की। तो स्टाइल नंबर वन को क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पर अपनी ये साड़ी ली है। ये साड़ी दो पार्ट में है, एक पार्ट में प्रिंटेड साड़ी है और एक पार्ट जो उसका पल्लू वाला पार्ट है वो नेट का है। तो इसी से हम आज अपनी साड़ी ड्रिपिंग का वीडियो बनाएंगे इस साड़ी से ही। और सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया है कि अपनी साड़ी का जो पल्लू वाला कॉर्नर वाला पार्ट है, इन दोनों को लेकर यहाँ पर इस तरीके से मैं इसको ऊपर शोल्डर पर सेफ्टी पिन से सिक्योर करूँगी। बट अगर आप सेफ्टी पिन नहीं लगाना चाहते तो एक नॉट भी बना सकते हैं। अगर आपकी पतली फैब्रिक की साड़ी है तो नॉट बनाना अच्छा लगेगा, क्योंकि ये काफ़ी हैवी साड़ी है, इसका बॉर्डर भी था, इसलिए मैंने यहाँ पर ऊपर सेफ्टी पिन लगाया है। उसके बाद हम बाकी पूरी साड़ी को अपने फ्रंट में ले आएंगे। तो अब जो हमारा साड़ी का लास्ट वाला पार्ट है, वहाँ से हम लहंगा साड़ी का ड्रेप स्टार्ट करेंगे। अपने बैक में हम साड़ी को टक कर लेंगे, उसके बाद इसी तरीके से हम छोटी छोटी प्लीट्स बनाएंगे। और इसका टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिएगा, ये प्लीट्स बिल्कुल भी नहीं निकलेंगी। बस आपको अपना पेटीकोट कनाड़े को अच्छे से टाइट से बांधना है। अगर अच्छे से पेटीकोट टक है तो ये सब प्लीट्स बिल्कुल भी नहीं निकलेंगी, क्योंकि मैंने 5 से 6 घंटे के लिए इस साड़ी को घर में इसी तरीके से ड्रेप करके रखा था और एक भी प्लीट्स नहीं निकली थी। बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप ये साड़ी ड्रेप करें तो उससे पहले अपने हील्स को पहन लें, जिससे कि आपकी जो हील्स की लेंथ है साड़ी में ही कवर हो जाए, आपकी हील इस लहंगे में से शो ना हो। और इसी तरीके से हम ये सारी प्लीट्स बना लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये प्लीट्स बनाना बहुत ही सिंपल है, बट सारी प्लीट्स को इक्वल रखेंगे और लेंथ भी उसकी इक्वल होनी चाहिए, तो आपकी जो लहंगे की लुक है वो काफ़ी अच्छी आएगी। तो नीचे से भी अभी मैं आपको इसका लुक दिखाऊंगी। तो साड़ी का जितना भी प्रिंटेड वाला पोर्शन है, इसी से हम सारी इसी तरीके की प्लीट्स बना लेंगे। मैं आप सभी को एक ही साड़ी से डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लुक्स इसलिए क्रिएट करके दिखाती हूँ, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए। अगर आपके पास भी इस टाइप की कोई भी साड़ी हो तो इस तरह के लुक्स आप क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप कोई और अलग टाइप की साड़ी ड्रिपिंग का वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपके लिए उस टाइप की साड़ी ड्रिपिंग का वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। तो मैंने यहाँ पर सारे जो प्रिंटेड वाला पार्ट है उसकी सारी प्लीट्स को बना लिया है। लास्ट में यहाँ पर मुझे बैक में थोड़ा सा जो प्रिंट वाला पार्ट है वो कम लग रहा था, तो मैंने एक प्लीट्स को खोल लिया है और इसको बैक में सीधे ही टक कर दिया है, जिससे कि हमारा प्रिंटेड वाले पोर्शन से पूरा पार्ट कवर हो जाए बैक का। अगर आपकी साड़ी सिंगल है तो आप इस तरह का आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट मेरी दो पार्ट में साड़ी है तो इसलिए मैंने उसको अच्छे से लुक को कंप्लीट करने के लिए मैंने यहाँ पर ये बैक का पोर्शन प्रिंटेड वाले पार्ट से कवर कर दिया है। और लास्ट में भी अगर आपको लगता है कि एक दो प्लीट्स और बनानी चाहिए अपने पल्लू के अकॉर्डिंग, अगर आपका पल्लू थोड़ा बड़ा लग रहा है तो 2-3 प्लीट्स और आप बना सकते हैं। और उसके बाद बस यहाँ पर मैं थोड़ी सी फिनिशिंग कर लूँगी। फिनिशिंग करने के बाद यहाँ पर मैं एक वेस्ट चेन ऐड करूँगी और यहाँ पर हमारा लुक कंप्लीट हो जाएगा। कि मैं यहाँ पर आपको अभी दिखा रही हूँ, यहाँ पर ये मेरा थोड़ा जो पल्लू वाला पार्ट है थोड़ा लूज़ था, तो यहाँ पर मैंने इसको वी शेप में करके अंदर से सेफ्टी पिन से सिक्योर कर दिया, जिससे कि बिल्कुल यहाँ पर एक परफेक्ट फिनिश मिल जाएगी हमको। तो एक परफेक्ट फिनिश के लिए मैं यहाँ पर एक वेस्ट चेन ऐड कर रही हूँ और उसके बाद हमारा ये लुक कंप्लीट हो जाता है। तो आप देखिए इसका फाइनल लुक। तो सेकंड लुक को क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पर अपने पल्लू वाले पार्ट को वापस से ओपन कर दिया है और जहाँ जहाँ पर भी सेफ्टी पिन लगाए थे उन सेफ्टी पिन को निकाल दिया है। और जो बाकी हमारा जो साड़ी वाला पार्ट है वो हम एज इट इज़ रखेंगे, वैसा ही लहंगा रखेंगे। और उसके बाद हम पल्लू वाले पार्ट को यहाँ पर ड्रेप करेंगे।
तो पल्लू वाले पार्ट का मैंने जो कॉर्नर वाला पार्ट है उसको ले लिया है अपने हाथ में। उसके बाद मैं यहाँ पर प्लीट्स बना रही हूँ। जैसे ही हम कॉर्नर वाले पार्ट को हाथ में पकड़ेंगे तो अपने आप प्लीट्स का लुक अपने आप आ जाएगा। और इन सारी प्लीट्स को हमें अच्छे से अरेंज कर लेना है। और ये जो जिगजैग वाला स्टाइल है ये अपने आप बनता चला जाएगा। और इसको हमें बस प्रेस करते जाना है और इसी स्टाइल को क्रिएट करते जाना है। अभी जो आपके सामने ये पिक्चर्स हो रही है ये भी जिगजैग साड़ी ड्रिपिंग का एक वीडियो है। ये मैंने अलग तरीके से जिगजैग स्टाइल साड़ी ड्रिपिंग बताई थी आपको। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं ऊपर आपको आई बटन में दे दूँगी, आप ये वीडियो चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से हम अपनी सारी प्लीट्स को अरेंज कर लेंगे। और पल्लू को मैंने ऊपर सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लिया है और बाकी सारी प्लीट्स को इसी तरीके से प्रेस करके अरेंज कर लेंगे। और जो हमारा बचा वाला लूज़ वाला पार्ट है इसको हम बैक साइड में सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेंगे, जिससे कि हमारी जो पल्लू की एक टाइट फिटिंग हमको मिल जाए। और ये बैक वाला पोर्शन भी देख रहे हैं आप कितना नीट आया है। तो हमारा स्टाइल नंबर 2 बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर मैं अब एक वेस्ट चेन ऐड करूँगी और उसके बाद अपनी प्लीट्स को अच्छे से एक बार और प्रेस कर लूँगी, जिससे कि ये एक ही जगह पर स्टेबल रहें। और उसके बाद यहाँ पर जो ये हमारा बैक वाला है यहाँ पर भी मैंने सेफ्टी पिन लगा लिया है। तो अभी आप इसका फाइनल लुक देख रहे हैं। स्टाइल नंबर 3 को क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पर बस अपना जो पल्लू वाला पार्ट है उसी को ओपन किया है। बाकी लहंगा स्टाइल को हम उसी तरीके से रहने देंगे। और पल्लू वाले पार्ट को ओपन करने के बाद हम उसी से हम ये डिफरेंट लुक क्रिएट करेंगे। तो ये जो हमारा पल्लू वाला पार्ट है इसके दोनों कॉर्नर को लेकर हम बैक साइड में लेके जाएंगे और इसको अपनी नेक में इस तरीके से यहाँ पर आप एक नॉट भी बना सकते हैं और चाहें तो आप सेफ्टी पिन से भी सिक्योर कर सकते हैं। ये भी बहुत सिंपल स्टाइल है। और यहाँ पर बस हम इसको स्टार्टिंग में यहाँ पर वेस्ट चेन ऐड कर लेंगे। और हमें देखना है कि हमारा जो स्टार्टिंग का जो जैकेट वाला पार्ट है दोनों साइड से इक्वल हो। अगर आपका एक साइड का जैकेट वाला पार्ट थोड़ा सा छोटा आ रहा है तो हम एक दो प्लीट्स को वापस से निकाल देंगे और निकालने के बाद फ्रंट में ले आएंगे तो हमारे जो पार्ट हैं आगे के दोनों इक्वल आ जाएंगे। और इक्वल आने के बाद बस हमारा यहाँ पर हमको एक वेस्ट चेन ऐड करनी है और ये हमारा लुक कम्प्लीट हो जाए। तो आप देख रहे हैं स्टाइल नंबर 3 का फाइनल लुक। तो स्टाइल नंबर 4 को क्रिएट करने के लिए भी मैंने यहाँ पर सिर्फ पल्लू वाले पार्ट को स्टाइल किया है और जो हमारा लहंगा ड्रेप है उसको हम एज इट इज़ रखेंगे। पल्लू वाले पार्ट की यहाँ पर हम प्लीट्स बना लेंगे और प्लीट्स बनाने के बाद अच्छे से उनको अरेंज करेंगे। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि पल्लू के प्लीट्स को हम अच्छे से कैसे बनाते हैं तो इसका वीडियो का लिंक जो आप स्क्रीन पर पिक्चर देख रहे हैं इसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूँगी, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी प्लीट्स को बनाया है। यहाँ पर हम शोल्डर पर सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेंगे और प्लीट्स को अच्छे से अरेंज करके कॉर्नर वाले पार्ट को लेकर यहाँ पर हम बैक में टक कर लेंगे। इसे भी हम सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेंगे, इससे कि हमें एक परफेक्ट टाइट फिनिश मिल जाएगी। उसके बाद बस यहाँ पर मैं एक वेस्ट बेल्ट ऐड करूँगी और हमारा ये लुक भी कम्प्लीट हो जाएगा। तो अब आप इसका फाइनल लुक देख रहे हैं। तो स्टाइल नंबर 5 और 6 को क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पर बस अपना जो लहंगा वाला पार्ट है एज इट इज़ रखा है उसको। और यहाँ पर भी मैं पल्लू वाले पार्ट का डिफरेंट डिफरेंट लुक आपको क्रिएट करके दिखाऊंगी। यहाँ पर हम ओपन पल्लू भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर बस एक ये श्रग ऐड किया है। ये श्रग नहीं है बल्कि मेरी एक कुर्ती है जो आगे से ओपन है और ऊपर यहाँ पर बटन है। इसको यहाँ पर आप ओपन भी रख सकते और पल्लू की प्लीट्स भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक वेस्ट बेल्ट ऐड करेंगे जिससे कि हमारा जो पल्लू है अच्छे से हम कैरी कर सकें। तो यहाँ पर आप पल्लू की प्लीट्स भी बना सकते हैं, चाहे तो इस तरीके से ओपन भी रख सकते हैं। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसकी आईडी मैं आपको स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं।
अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको कौन सा लुक सबसे अच्छा लगा है। तो यहाँ पर जस्ट मैंने आपको पल्लू की थोड़ी सी प्लीट्स बना के दिखाई है। अभी मैंने प्लीट्स को अच्छे से अरेंज नहीं किया है, बस जस्ट आइडिया के लिए आपको दिखा रही हूँ कि इस तरीके कैसे भी आप पल्लू को प्लीट्स बनाकर भी शक के साथ कैरी कर सकते हैं। तो ये लुक भी आपको कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा मुझे। अभी यहाँ पर मैं वापस से इसको ओपन कर रही हूँ क्योंकि मैंने ओपन स्टाइल में ही कैरी किया है। तो चलिए आइए आप चलते हैं स्टाइल नंबर 6 की तरफ। स्टाइल नंबर 6 को क्रिएट करने के लिए मैंने जस्ट यहाँ पर बस अपने श्रग को चेंज कर दिया है। यहाँ पर मैंने ब्लैक श्रग की जगह वाइट श्रग को पेयर किया है। तो ये लुक भी हमारा बस कंप्लीट हो चुका है। बस मैंने आपको डिफरेंट तरह का श्रग स्टाइल करके दिखाया है इसमें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सा स्टाइल नंबर आपको सबसे बेस्ट लगा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।